प्रशासन ने लॉकडाउन उल्लंघन के आरोपियों से बस धनराशि वसूल की गई चेतावनी दी। देश में फैली महामारी से जहां पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, देश में लोग कीड़े मकोड़े की तरह मर रहे हैं, वहीं देश के अंदर ही कुछ व्यापारी अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। उनकी बला से कोई मरे या जिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी क्रम में रामपुर जिले की मिलक तहसील में कुछ दुकानदार लॉकडाउन में भी लालच के वशीभूत होकर अपने घर और दुकान के अंदर शटर गिराकर ग्राहकों को माल बेच रहे हैं। चालाकी देखिए, जब प्रशासन की गाड़ी आती दुकान बंद और गाड़ी के जाते ही दुकानदारी फिर शुरू। इन सब बातों को देखते हुए उपजिलाधिकारी श्री सचिन राजपूत, तहसीलदार मिलक श्री अशोक कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में एवं कोतवाल मिलक श्री अनिल कुमार सिंह ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर संयुक्त रूप से अभियान चलाया, जिसमें मिलक के ही राधा कृष्ण वस्त्र भंडार के 20,000 रुपए, बलदेव सरदार वस्त्र भंडार से 25,000, रोशनी गिफ्ट सेंटर से 5,000, अमृत सरिया वस्त्र भंडार से 5,000, संदीप अग्रवाल 4,000, बनवारी एम्पोरियम से 5,000 रुपए, इस तरह कुल मिलाकर 75,000 की धनराशि वसूल की गई। जी फल दवाई इत्यादि हैं, केवल उनकी भी होम डिलीवरी होगी और आप लॉकडाउन का पूरा उल्लंघन कर रहे हैं। आपको सिर्फ पैसे से मतलब है, व्यक्ति की जान जाए या कुछ भी हो, आपको आपको पैसा मिल जाए बस। क्यों? वो तो बिल्कुल मानवता को तार कर दिया आपने। जब किसी को कोरोना हो जाएगा उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, फिर इसकी कटेगी, इसकी कटेगी। देखो सब सारे लोग परेशान है, जरा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कोई इनकी मतलब भीड़ बिल्कुल नहीं लगाइए, वरना घर में बुलाइए। आप किसी दुकान मतलब दुकान है तो सारी बंद है। अरे आओ ना, यहाँ पर आपको मजबूरी बता रहे हैं। अरे मार्केट अगर नहीं खुल रही होती तो हम बिल्कुल नहीं आते। हमें बता रहे 7 से 11 तक खुली है। देख होम डिलीवरी, मैंने जब होम डिलीवरी मैंने आपको बताया, कोई नंबर नहीं है, नहीं तो हम होम डिलीवरी मंगवा लेते। हमारे पास कोई नंबर नहीं है इस तरीके का, तो होम डिलीवरी हम मंगवा। जब आप वहाँ मुझे तो मुझसे पूछ लेते नंबर, आपने ऐसा किया नहीं किया। चलिए सॉरी सर, अब आप आ जाइए। भाई देखो ऐसा है, इतना कर सकता हूँ, जुर्माना कम कर दूंगा बस। सर जुर्माना हमने आप ये समझ लीजिए कि इस टाइम हालत वो हो रही है कि कुछ कह नहीं सकते, काम तो करेंगे। चलो तो नहीं है साहब, पैसे नहीं है अब, इतनी नहीं तो आज तो उम्मीद है कि जो है थाने जाके क्या थाने है? या ऐसे उम्मीद कुछ नहीं है।